चंद्रपुर की कोल माफिया हाजी के शूटआउट से नागपुर के अपराध जगत में भी खलबली मची हुई है। नागपुर के अपराधियों का भी हाथ होने से गिरफ्तार आरोपियों के प्रतिद्वंदी भी हरकत में आ गए हैं। समीर और उसके साथियों को हाजी की हत्या में इस्तेमाल रिवॉल्वर और कारतूस नागपुर में उपलब्ध कराए गए थे। इसमें लिप्त सुरेंद्र कुमार यादव की गिरफ्तारी से शहर पुलिस में भी खलबली मची हुई है। सोमवार के दोपहर 4 बजे चंद्रपुर के एक रेस्टोरेंट में साथियों के साथ भोजन कर रहे कोल माफिया हाजी सरफर शेख की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हाजी की हत्या का सूत्रधार यवतमाल का कुख्यात अपराधी समीर शेख है। वह हाजी का पुराना साथी है। किसी वक्त दोनों साथ मिलकर कोयला तस्करी कर रहे थे और पैसों को लेकर विवाद होने से समीर ने अपनी अलग गैंग बना ली। हाजी की हत्या में समीर सहित एक दर्जन से अधिक अपराधियों के लिप्त होने की संभावना है। अधिकांश के नागपुर लेख होने का पता चला है। समीर और उसके भरोसेमंद शूटर्स ने हत्या को अंजाम दिया है, जबकि अन्य साथियों ने हथियार उपलब्ध कराए हैं और हाजी की हलचल पर नजर रखी है। हाजी और समीर का चंद्रपुर के अलावा नागपुर के अपराध जगत में भी दबदबा था। चंद्रपुर पुलिस ने अब तक समीर सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोमवार की रात क्राइम ब्रांच के यूनिट 4 द्वारा गिरफ्तार सुरेंद्र कुमार यादव और उसके साथी किशोर ने ही समीर को रिवॉल्वर और कारतूस उपलब्ध कराए थे। समीर और उसके साथियों द्वारा चंद्रपुर पुलिस के सामने समर्पण करते ही सुरेंद्र और किशोर फरार हो गए थे। एन वक्त तक सुरेंद्र पुलिस के हाथ लग गया। उसके पकड़े जाते ही किशोर मोबाइल बंद करके फरार हो गया। सुरेंद्र मूलतः कानपुर का है। वह करीब 6 साल से नागपुर में रहता है। किशोर के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। प्रॉपर्टी डीलिंग की आड़ में दोनों हथियार की तस्करी करते हैं। सुरेंद्र कानपुर से रिवॉल्वर और कारतूस लाता है। यह समीर और उसके जैसे दूसरे अपराधियों को बेचता है। समीर भी पहले नागपुर में ही रहता था। समीर और हाजी के नागपुर की अपराधियों में गहरी पेट है। 10 साल पहले धर्मपेट के लाहौरी होटल के सामने हुई फायरिंग में भी हाजी पर मामला दर्ज हुआ था। आरोपी शेख हाजी है, त्याचा काल मृत्यू झालेली होती। ते 5 लोकांनी त्याला मिळून मृत्यू जे घटनेला अंजाम दिलेला होता। त्याच्यामध्ये जो मुख्य 5 आरोपी ते ऑलरेडी चंद्रपूर पोलीसमध्ये ते सरेंडर झालेले होते। त्याच्यानंतर आपल्याला इन्फॉर्मेशन भेटली की अजून त्याच्यामध्ये आरोपी आहे। एक आरोपी नंदनवनचे एरियाचा आरोपी आहे, जो त्याने हत्यार संधाय केलेला आहे। तसेच अजून 2 आरोपी आहे, त्याच्यामध्ये एक आरोपी सुरेंद्र यादव, हे क्राईम ब्रांच युनिट 4 के माध्यमातून आपण अटक केलेला आहे आणि त्याच्या या गुन्ह्यामध्ये नक्की रोल निष्पन्न झालेला होता आणि पुढची कारवाईसाठी चंद्रपूर पोलीसचे ताब्यामध्ये देण्यात आले। आपल्याला तेही माहिती भेटलेली आहे की आपसी पैसेचा रंजेश होता आणि त्यामुळे ते घटना अंजाम केलेली आहे आणि ते कोण त्याच्यावर वॉच ठेवत होते आणि म्हणून ज्यावेळेस कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।